नमस्कार, जयवर्धन डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। 3 दिनों से मौसम में बदलाव के बाद शनिवार को सुबह से ही तिखी धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई। दोपहर बाद आसमान में काले घने बादल छाने लगे और काफ़ी देर तक सूरज और बादलों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। करीब 4 बजे से कुंभलगढ़ क्षेत्र के पुठोल, मुंडोल, सांगट कला, सायों का खेड़ा क्षेत्र में तेज़ हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। करीब 20 मिनट तक तेज बारिश से मकानों की छतों से परनाले चलने लगे और पानी बहने लगा। इस तरह बादलों ने तेज गर्जना की और धूल भरी हवाएं भी चली। इस पर कुछ मकानों के छतों पर सूख रहे कपड़े भी हवा के साथ उड़ गए। हालांकि दोपहर बाद तिखी धूप के चलते मौसम गर्म था, लेकिन हवा चलने और आसमान में बादल छाने व बारिश के बाद वातावरण में ठंडक घुल गई। शाम करीब 5 बजे राजसमंद शहर में भी आसमान में काले घने बादल छाने के बाद हल्की फुहार शुरू हो गई। करीब 5 मिनट तक हल्की फुहार हुई। इस दौरान तेज हवा के चलते मौसम बदल गया। देखिए नज़ारा लाइव। इधर शहर के बाद ग्रामीण क्षेत्र में बारिश व तेज हवा के चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई, क्योंकि रबी की फसल की कटाई का दौर चल रहा है और कुछ फसलें खेतों में पड़ी हैं तो कई सारी निकालने निराई का कार्य चल रहा है। इसके चलते बारिश आने से फसल में खराबे को लेकर किसान चिंतित हैं। बड़ी मात्रा में फसलें खेतों में पड़ी हुई है कटाई के बाद और कुछ फसलें कटाई का कार्य चल रहा है। ऐसे में बारिश होने की वजह से खड़ी फसलें खराब हो गई, जिनके निराई का कार्य भी प्रभावित होगा और इससे फसल की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता की लकीरें खींच गई हैं। हल्की फुहार से शुरू हुई बारिश झमाझम बूंदों में बदल गई और कुछ ही देर में देखते ही देखते मकानों की छतों से परनाले पानी बहने लगा। देखिए लाइव में।